हे फ्रेंड्स, व्हाट्स गोइंग ऑन? हाय, दिस इज साल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में। व्हाट इज प्रोक्रास्टिनेशन, व्हाई डू वी प्रोक्रास्टिनेट, एंड हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस प्रोक्रास्टिनेटिंग हैबिट ऑफ आवर्स। प्रोक्रास्टिनेशन, जिसे हिंदी में हम काम को टालना कह सकते हैं, इज अ वेरी कॉमन हैबिट इन ईच वन ऑफ आस। आई डोंट थिंक देर इज एनीबॉडी इन दिस वर्ल्ड जो ये बोल सके कि मैं 100% प्रोक्रास्टिनेट नहीं करता हूँ एंड मैं जो भी काम होता है मेरा, मैं उसे वक्त पे कर लेता हूँ। आई डोंट थिंक देयर इज एनीबॉडी। प्रोक्रास्टिनेशन बेसिकली होता है किसी काम को टालना लास्ट मिनट तक, एंड जैसे हमें लगे कि यार अगर अब हमने ये काम नहीं करा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, तो हम वो काम को फटाफट करते हैं। हम सब प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। हम में से कुछ लोग प्रोक्रास्टिनेट करते हैं अपनी होमवर्क करने में, यू नो, जो स्टूडेंट्स हम में से कुछ लोग प्रोक्रास्टिनेट करते हैं अपनी ड्रीम के ऊपर वर्क करने में। यू नो, हम सब के अंदर कुछ ड्रीम्स होते हैं, कुछ एस्पिरेशंस होते हैं जो हम चाहते हैं कि वो हम करें, बट हम उस चीज़ को प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं अच्छे हैबिट्स बनाना, हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं जिम ज्वाइन करना, हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल स्टार्ट करना, और हर वो चीज़ जो हमें लगता है कि हमें करना चाहिए, बिकॉज अगर हम करें ये चीज़ तो हमारे लिए बेहतर होगा। हम में से कई सारे लोग उन चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। नाउ, कई सारे लोग प्रोक्रास्टिनेशन को लेजीनेस से कन्फ्यूज करते हैं। सो लेट मी क्लियर दैट प्रोक्रास्टिनेशन इज नॉट एज सेम एज लेजीनेस। प्रोक्रास्टिनेशन इज बेसिकली डीलेइंग अ टास्क बाय डूइंग सम अदर टास्क व्हिच इज अ लिटिल मोर एंजॉयबल एंड प्लेजरेबल, एंड यू डोंट वांट टू डू द टास्क व्हिच इज द इम्पॉर्टेंट टास्क बिकॉज इट इज नॉट प्लेजेंट एंड इट मेक्स यू अनकम्फर्टेबल। एंड लेजीनेस इज नॉट विलिंग टू डू एनीथिंग एट ऑल, और इन एक्शन, और यू नो, फीलिंग टायर्ड, और यू नो, नॉट फीलिंग द विल पावर टू डू एनीथिंग एट ऑल, दैट्स लेजीनेस। शायद आप में से कई सारे लोग ये सोच रहे हो कि भाई प्रोक्रास्टिनेशन में बुराई क्या है, हमें अगर कोई काम पसंद नहीं है करना तो हम क्यों करें वो। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, जब भी हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं ना किसी चीज़ को, तो कई बार वो चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये यूट्यूब वीडियो शूट करना प्रोक्रास्टिनेट अगर कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मुझे हफ्ते में एक यूट्यूब वीडियो बनाना है, चाहे मैं वो मंडे शूट करूँ या वो सैटरडे शूट करूँ एंड सैटरडे एडिट करके संडे अपलोड करूँ, मुझे हफ्ते में एक वीडियो डालना है। तो मैं अगर मंडे से सोच रहा हूँ कि मुझे वीडियो शूट करना है, एडिट करना है, अपलोड करना है, एंड मैं प्रोक्रास्टिनेट करते करते सैटरडे में आ गया, तो ये फीलिंग जो होती है ना प्रोक्रास्टिनेशन की, एक गिल्ट डेवलप करती है हमारे अंदर। ये हमें अपने बारे में अच्छा फील नहीं कराती, क्योंकि हम जानते हैं कि ये चीज़ जो हम करना चाहते हैं ये इम्पॉर्टेंट है, एंड जिस टाइम में हमें ये चीज़ डिलीवर करनी है ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, और हमारे लिए इस चीज़ को ना करना एक बुरा कॉन्सिक्वेंस रहेगा हमारी लाइफ में। एंड यू नो, दिस केयरलेसनेस अबाउट आवर थिंग एंड थिंग्स दैट वी केयर अबाउट जनरली मेक्स अस फील वेरी बैड अबाउट आवर सेल्व्स एंड रिड्यूसेस आवर सेल्फ एस्टीम एज वेल एज आवर कॉन्फिडेंस। सो प्रोक्रास्टिनेशन का आपके साइकोलॉजी, आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी सेल्फ एस्टीम, इन सभी एरियाज में गहरा असर पड़ता है। सो नाउ डेट यू नो द डेफिनेशन ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन, लेट मी टॉक अबाउट वाई डू वी प्रोक्रास्टिनेट। जब भी हम ये देखें कि हम किसी टास्क या किसी चीज़ को लेकर के प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम एक पेन और पेपर लें। ऑब्वियसली पेन एंड पेपर में हम क्लियरली थिंक करते हैं। मैंने इसको लेकर एक वीडियो बनाया था, आप देख सकते हैं साई बटन में जा करके, दैट वाई थिंकिंग ऑन पेपर हेल्प्स अस थिंक मोर क्लियरली एंड वाई वी शुड डू दैट। सबसे पहले आप एक पेन एंड पेपर ले आना, यू नो, इस बारे में सोचें कि वाई एम आई प्रोक्रास्टिनेटिंग दिस इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई हैव, एंड जस्ट नोट डाउन सम ऑफ द रीजंस वाई यू थिंक यू आर प्रोक्रास्टिनेटिंग। सम ऑफ द कॉमन रीजंस बिकॉज ऑफ विच पीपल प्रोक्रास्टिनेट आर, नंबर वन, टास्क इज अनप्लेजेंट। तो जो काम आपको करना है, जो टास्क आपने डिसाइड किया है, जो गोल आपने डिसाइड किया कि आपको करना है, वो बहुत ही अनप्लेजेंट है। मतलब आपको करने में ज़रा सा भी एक्साइटमेंट नहीं आ रही, ज़रा सा भी किक नहीं मिल रहा लिटरली, सो आप वो काम नहीं करना चाहते एंड आप किसी और काम को करके डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो अपने आप को, विच इज़ मोर एन्जॉयबल एंड फन, राइट? ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? ऐसी सिचुएशन में यू नीड टू फाइंड आउट अ वे टू मेक द टास्क फन एंड प्लेजेंट। ऑब्वियसली आप अगर जिम नहीं जाना चाहते, दैट इज़ बिकॉज यू डोंट लाइक द एक्सपीरियंस ऑफ जिम, आप बोर होते हो जिम में, या आपको नहीं अच्छा लगता वो सोर मसल्स जब आप टायर्ड हो जाते हो इतना ज़्यादा एक्सरसाइज करने के बाद। तो हाउ कैन यू इम्प्रूव दैट सिचुएशन? यू कैन इम्प्रूव दैट सिचुएशन बाई डूइंग सिंपलर वर्कआउट्स एंड फन वर्कआउट्स लाइक साइकिलिंग और लाइक वॉकिंग ऑन द ट्रेडमिल वाइल टॉकिंग टू सम ऑफ योर जिम मेट्स हु आर अराउंड, और इट कैन बी एनीथिंग एल्स। सेकेंड रीजन वाई पीपल प्रोक्रास्टिनेट इज दैट दे फाइंड द टास्क इज टू डिफिकल्ट।
नाउ अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन वी सेट गोल्स फॉर आवरसेल्व्स ना, हमें ऐसा लगता है कि हम एक बड़ा गोल करें, बिकॉज हम चाहते हैं कि हम कुछ अचीव कर ही रहे तो कुछ बड़ा अचीव करें. बट उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि हम इम्प्रैक्टिकल गोल सेट कर देते कई बार, इम्प्रैक्टिकल यू नो टास्क असाइन कर देते अपने आप को करने के लिए जो हम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे होते. सो डिफिकल्ट आपका गोल या आपका टास्क ना हो ज़्यादा, ये आप अश्योर करें, एंड उस टास्क को ईजी बनाएं. यू नो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू रीड बुक एवरी सिंगल डे एंड यू हैव डिसाइड दैट यू विल रीड बुक फॉर 1 आवर एवरी सिंगल डे एंड यू आर नॉट फाइंडिंग आउट टाइम उस 1 घंटे किताब पढ़ने का, तो आप उस चीज़ को 10 मिनट कर दें, 15 मिनट कर दें, एनीथिंग विच इज ईजियर, सो दैट एक रेजिस्टेंस कम हो आपके पास उस चीज़ की तरफ बढ़ने के लिए. थर्ड रीजन वाई पीपल प्रोक्रेस्टिनेट इज द टास्क इज वेरी ह्यूज. तो कई बार हम अपने लिए ऐसे टास्क सेट कर देते हैं जो बहुत ज़्यादा ह्यूमंगस होते हैं, बहुत ज़्यादा ह्यूज होते हैं, हमें पता नहीं होता भाई हम कहाँ से स्टार्ट करें या कहाँ पे एंड करें, एंड बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है हमें वो प्रोसेस. सो ऐसे केसेस में आपको क्या करना चाहिए, ऐसे केसेस में आपको उस बड़े से टास्क को स्मॉल टाइनी पीसेस में डिवाइड करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, ये यूट्यूब वीडियो बनाना, नो आपको देखने में लग रहा हो कि मैंने बस कैमरा उठाया है एंड यू नो बात करना स्टार्ट कर दिया मैंने, बट इसके लिए मैंने एक स्क्रिप्ट लिखा है, यू नो शूट किया है वीडियो, उसके बाद मैंने वीडियो को एडिट किया है, उसके बाद मैंने वीडियोस में जहाँ मुझे चाहिए कि मुझे एनिमेशन चाहिए यहाँ पे मैंने एनिमेशन ऐड किया है, जहाँ मुझे चाहिए कि इलस्ट्रेशन में इस चीज़ का कर पाऊँ मैंने वो ऐड किया है, उसके बाद मैंने वीडियो को फाइनली देखा है, अप्रूव करा है, कहीं पे कोई साउंड इफेक्ट्स डालने हैं तो डाल गया है, फिर अपलोड किया है, उसके बाद भी मैंने थंबनेल में इम्प्रूवमेंट्स करी है एंड टाइटल एंड टैग्स में इम्प्रूवमेंट करी है. सो ये 6-7 प्रोसेसेस है. अगर मैं संडे मुझे वीडियो अपलोड करना और मैं संडे ये सारी चीज़ें करने को बैठूँ, देन दिस इज़ अ वेरी बिग टास्क फॉर मी, आई विल नॉट बी एबल टू डू दैट. फॉर दैट आई विल हैव टू डिवाइड द टास्क इंटू स्मॉल बिट पीसेज एंड देन टैकल ईच स्मॉल बिट ऑफ द टास्क इंडिविजुअली, दैट इज़ गोना हेल्प मी डू द टास्क इफेक्टिवली. फोर्थ रीजन वाई पीपल प्रोक्रेस्टिनेट इज द टास्क इज वेरी अनक्लियर. तो कई बार हम जो गोल्स या जो टास्क सेट करते हैं वो बहुत ही अनक्लियर होता है. फॉर एग्जाम्पल, हमने डिसाइड किया कि मैं वेट लूज करूंगा, बट हमने ये नहीं डिसाइड किया कि मैं वेट लूज कितना करूंगा और कितना टाइम दूंगा अपने आप को वेट लूज करने के लिए, और क्या प्रोसेस है मेरा वेट लूज करने का, क्या एक्शंस लेने वाला हूँ मैं वेट लूज करने के लिए, ये कुछ भी डिसाइड नहीं किया. बस मैंने डिसाइड किया कि मैं वेट लूज करूंगा. सो दिस इज अ अनक्लियर टास्क. अपने टास्क, अपने गोल को क्लियर बनाइए, अंडरस्टैंड करिए एंड मेक द टास्क स्मार्ट. आई हैव मेड अ वीडियो ऑन हाउ टू सेट स्मार्ट गोल्स, यू कैन वॉच इट बाय क्लिकिंग ऑन दिस बटन. सो अपने जो टास्क है उसको और बेहतर से आइडेंटिफाई करें कि क्या करना चाहते हैं आप, क्यों करना चाहते हैं आप, एंड कैसे करना चाहते हैं आप, कितना करना चाहते हैं आप, राइट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट रीजन व्हाई पीपल प्रोक्रेस्टिनेट इज बिकॉज पीपल हैव अ लैक ऑफ पर्पस. कई बार लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें वो करना क्यों है जो उन्होंने डिसाइड करा है करने को. फॉर एग्जाम्पल, मैंने डिसाइड किया कि मैं हर रोज 20 किलोमीटर भागूंगा. नो, मैंने डिसाइड तो कर लिया कि मैं हर रोज 20 किलोमीटर भागूंगा बिकॉज मैंने यूट्यूब में एक वीडियो देखा जिसमें कोई यूट्यूबर बहुत अच्छे से रन कर रहा था एंड वो रनिंग को प्रमोट कर रहा था एंड ही वॉज हैविंग अ ग्रेट टाइम एन्जॉइंग हिज 20 किलोमीटर रन. तो मैंने उस चीज़ को देख करके अपना टास्क सेट कर दिया कि अपना गोल सेट कर दिया कि दैट आई वॉन्ट रन एवरी सिंगल डे फॉर 20 किलोमीटर्स एटलीस्ट. नाउ दिस थिंग इज लैकिंग पर्पस. मैं करना क्यों चाहता हूँ, बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्स. मैंने किसी को देखा कि वो रनिंग कर रहा है और मुझे अच्छा लगा तो मैंने रनिंग करना स्टार्ट कर दिया. नो, दैट इज नॉट अ गुड वे ऑफ थिंकिंग अबाउट थिंग्स. हम अपने आप से पूछे दैट वाई डू वी वॉन्ट टू डू दिस थिंग, वाई डू वी नीड दिस थिंग, वेदर दिस इज समथिंग विच विल इम्प्रूव माई लाइफ, वेदर दिस इज समथिंग दैट विल एड मोर वैल्यू टू माई लाइफ, विच विल मेक माई लाइफ बेटर, और विल इट मेक माई लाइफ वर्स. एंड आफ्टर आइडेंटिफाइंग द पर्पज ऑफ वाई वी वॉन्ट टू डू दिस थिंग, देन ओनली वी विल हैव द सिंसेरिटी टूवर्ड्स डूइंग दैट थिंग, which will enable us and facilitate us towards doing that task that we have decided for ourselves. That's all from my side for this video, guys. Thank you for watching this video. Like kare video ko, comment kare what do you feel about this video. Share kare this video ko apne friends and family ke saath and to anyone who you think procrastinates. And thank you for watching this video, guys. I will see you next week in my next week's video. Till then, goodbye and have a nice day. Bye. Damn.